चिना कुकड़ बने रहते खट्टे नी दुपट्टे वाली ये मुंडा शकिते रहते मज बज गई किले नाल तेनु असी माही सद्या गल रह गई है तेरे बलो बागे बिचू खू मेरा घड़ा मेरा नहीं हो डूबदा गोचे खांदा है रू मेरा इंसान होगा वो बात को नहीं भूलेगा। अच्छा इंसान होएगा मोहब्बत को नहीं भूलेगा और जो खैवान होएगा वो भूल जाएगा। तो आजकल का तो रवैया ये है कि भाई उसको चूंडी बैठ ली उसको फलाने काम कर ले वो मोहब्बत नहीं वो तो बेगैरत पढ़ाए एक बेशरम पढ़ाए हैं। अच्छा तो बच्चे ले जाओ यार मेरा तुम दिल्ली है। तो आप इनसे मुलाकात कैसे करते थे? मुलाकात इसके घर चले जाते। तो डर नहीं लगता? ना डर वाली बात नहीं, डर मोहब्बत। नया पाकिस्तान के वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए साथ बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली अपडेट आपको बाकायदगी से मिलती रहे। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अनस कुंदल, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। नाज़रीन आज हमारे साथ एक ऐसा शादीशुदा जोड़ा मौजूद है जिसके देखने के बाद आप ये कह सकते हैं कि आज मोहब्बत जीत गई और ज़माना हार गया। नाज़रीन हमारे साथ मौजूद हैं अतर खान साहब और हमारी भाभी नज़ीरा। अतर खान साहब की जो उम्र है वो 85 साल है और जो हमारी भाभी है उम्र जो है वो 75 साल है। नाज़रीन इनकी कहानी कुछ इस तरह है कि आज से 50 साल पहले ये एक दूसरे को चाहते थे, एक दूसरे से ज्यादा मोहब्बत करते थे, शादी करना चाहते थे, लेकिन नाज़रीन जब इन्होंने घर बात की तो घर वालों ने इनकार कर दिया, उसके बाद ये अलग हो गए। आज से 6 साल पहले अतर साहब की जो वाइफ है वो इंतकाल कर जाती हैं और नज़ीरा भाभी के जो हस्बैंड हैं वो भी इंतकाल कर जाते हैं। उसके बाद जो औलाद है इनके साथ बदसलूकी करती है, इनको घर से निकाल देती है। इस वक्त पूरे सोशल मीडिया की जीनत बने हुए हैं। 85 साल के हो चुके हैं अतर साहब और जो हमारी भाभी हैं उनकी एज है 75 साल और आज दोबारा ये मोहब्बत उजागर हो गई और आज ये बातें की जा रही हैं कि जो मोहब्बत है वो जीत चुकी है और जो ज़माना है वो हार चुका है। तो इनसे जो सारी कहानी है ये सुनते हैं और इसी में एक ये भी पैगाम है कि अतर साहब ने ये स्टेप तब लिया जब इनकी औलाद ने इनको छोड़ दिया, जब इनकी औलाद ने इनको घर से निकाल दिया और उसी के साथ इन्होंने तब ये स्टेप लिया जब इनकी जो बेगम है वो इंतकाल कर गई और उसी के साथ नज़ीरा साहिबा ने भी ये स्टेप तब लिया जब उनके जो हस्बैंड हैं इनको छोड़ कर चले गए। तो आइए इनसे फिर गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। चाचा ये बताएँ कि 50 साल आपने मोहब्बत की, 85 साल आपकी उम्र हो गई है, तो आपने इसको बरकरार कैसे रखा है, इनको याद कैसे रखा है? लोग तो भूल जाते हैं भाई। मोहब्बत हो तो मोहब्बत दिल में रखो तो रहती है, अगर दिल में ना रखो तो नहीं रहती। ये मैंने मोहब्बत रखी इससे, इन्हें भी रखी मोहब्बत हमारी चलती रही है। अच्छा लोग ये कहते हैं जब शादी हो जाती है तो मोहब्बत इंसान भूल जाता है, आपकी तो शादी हो गई थी उसके बाद? इंसान होगा वो बात को नहीं भूलेगा। अच्छा इंसान होएगा मोहब्बत को नहीं भूलेगा और जो खैवान होएगा वो भूल जाएगा। तो आजकल का तो रवैया ये है कि भाई उसको चूंडी बैठ ली उसको फलाने काम कर ले वो मोहब्बत नहीं वो तो बेगैरत पढ़ाए एक बेशरम पढ़ाए हैं। अच्छा ये बताएंगे शादी के बाद आपका रابطہ इनसे रहा? हाँ रहा 50 साल। हाँ तो किस तरह रابطہ होता था? मिलते मेरे मामे रहते थे चूंदा पिंडे, उठे जाता आता सन उठे राष्ट्रीय बिच ही रही सी ते फिर जान लग पे मोहब्बत होगी, फल फ्रूट लै जाना इन्हें करी, कभी कोई शह लै जानी, कभी कोई कि मोहब्बत ज्यादा करनी है ना, भी उन्होंने मालक ने गल का पता लग भी इन्हें मोहब्बत है। अच्छा तो बच्चों वास्ते लै जाना यार मेरा तू दिल्ली है। तो आप इनसे मुलाकात कैसे करते थे? मुलाकात इसके घर चले जाते। तो डर नहीं लगता था? ना डर वाली बात नहीं, डर किसका मोहब्बत है तो डर किसका है, मोहब्बत है तो जिंदा है। अच्छा ये बताएं कि जब जो बीवी है वो वफात पा चुकी थी तो आपने इनसे किस तरह रابطہ किया कि हम शादी कर लेते? इसको मैं टेलीफोन कर दिया था, आई थी मरने में ये भी, इसके खामद के मरने में गया था। पहली दफ़ा आपने इनको कहाँ पे देखा था जब आपकी पसंद आई? इनका एक शादी में जोधपुर में देखा था, तो उधर हमारे एक दूसरे का प्यार हो गया फिर चलता ही रहा। तो जब आपने वालदैन से बात की तो घर वालों ने क्या कहा? उन्होंने कहा हम नहीं करेंगे। तो आपका दिल टूट गया? मैं हमने कहा हम करेंगे, कभी कभी भी करेंगे करेंगे। आपका दिल खट्टा हो गया? बस आजकल के जो नौजवान हैं वो चंद दिनों की मोहब्बत करते हैं। चंद दिनों की मोहब्बत नहीं घंटों की होती है। घंटों की होती है मोहब्बत, चंद दिन की नहीं करता कोई भी। अच्छा आपका ये कहने का मतलब है कि लोग चंद मिनटों की मोहब्बत करते हैं और उसके बाद व्हाट्सएप ब्लॉक तो सारा ताल्लुक खत्म करता हूँ। तो आपने इस मोहब्बत किस तरह बरकरार रखा, ये दिल में किस तरह ये मोहब्बत रही? मोहब्बत रखने वाली रखी है, हर बंदे से तो मोहब्बत नहीं रहती ना, जिससे प्यार हो या मोहब्बत इसने दी तो मोहब्बत रहेगी।
तो आप मतलब भाभी से मिलते रहे? हाँ मिलते। तो घर वाले आपको मना नहीं करते थे? नहीं, उन्हें क्या पता किधर गया है। तो आपके पास मोबाइल है? हाँ मोबाइल है। तो आप खत भी लिखते रहे हैं या फिर मुलाकात ही कर लेते? नहीं, मोबाइल पे करते। मोबाइल इसका घर है, उधर है, इस पे मोबाइल है, इसके नंबर है। अच्छा ये बताएं कि आजकल के जो नौजवान हैं वो मोहब्बत तो करते हैं, वो गैर में छूट जाते हैं? किधर छूट जाते? नहीं रहती है, घर में छूट जाते हैं, घर में पनीत हो जाते हैं। इधर की मतलब जे इधर मतलब को करण जो कोई नहीं रहता, कौन छेड़े उन छेड़ छेड़ते रहते ने, दिल से एक जगह नहीं रहती गल भी, एक जगह एक से रख लीजिए तो छेड़े चार जना ने छेड़ तो आप ही हो जाता है। अच्छा आप ये बताइए, आप ये बात कर रहे हैं इस उम्र के अंदर आपकी जो मोटर है वो स्टार्ट हो जाएगी? इंशाल्लाह करी हमने, हमारा आज ही इधर है। अच्छा आज ही इधर करी हमने, नहीं आपने ये बड़ी बात कह दी है कि हमारे नौजवान है वो घरों के अंदर। फिकर बात है। अच्छा हमारे नौजवान है मुंडों की मारेंगे पैरों में पतो ये। अच्छा उनके गर्मी चढ़ेगी, फिर वो जनानी कपड़े आई है उसने बाहर चला जाना, जल्दी करी जल्दी करी जल्दी उसने कपड़ों में उसको, तो बीमार तो हो जाना उस बच्चे ने, तो उसकी मर्दी तो ख़त्म होगी। जिसने आदमी के साथ कर लिया उसकी मर्दी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, शेक लगेगा ये कपड़ों में चला गया तो उसने शेक देखना है, उन्हें हिसाब भी है कि नहीं है तो उन्हें कर देना है। अच्छा ये बताएं कि आप इनसे तो मोहब्बत करते हैं, इसके अलावा भी किसी और से तो मोहब्बत नहीं करते? पता चले कि बाबा जी 110 साल बाद किसी और नाल मोहब्बत कर रहे हैं? ना ना किसी और मोहब्बत नहीं की थी, ये आए नाल आए मेरी जनानी मर गई पूरा पर किसी और मोहब्बत। अच्छा ये बताएं कि खान साहब जो हैं उन्होंने भी शादी की है काफी उम्र में जाके, अभी दोबारा की तीसरी शादी, तो क्या इमरान खान साहब? इमरान खान ने की थी शादी भाई, तो मैं भी कर लिया, मैं चलो इमरान खान कर लिया, साडे सदर ने कर लिया भी कर लेने। अच्छा ये खान साहब कभी आपके जेहन में था? हाँ बिल्कुल। आप किस घर में रहते हैं? घर अपना है? घर मेरा नहीं है, जगह उन्हें भेज देती है, हैं लड़ों लड़ मैं नहीं सकता साम उन्हें जनाब, जब मैं लड़ता तो मैंने मार दे, बेच के एक लाहौर चला गया है, देख के इतने रहता है, तो जगह जगह मेरे कोई शायद नहीं, अल्लाह की। तो जो बच्चे हैं वो आपका साथ नहीं देते? नहीं वो तो जवाब देते हैं, उन्हें साथ नहीं देते। तो जो हमारी भाभी हैं उनके बच्चे जो हैं वो भी नहीं देते साथ? साथ में दिया तो निकाह हुए ना भाई, ऐसे तो नहीं हुआ ना, दोनों के साथ नहीं दिए गए तो हम निकाह करते। आप इस वक्त पूरे टीवी चैनल के ऊपर आ रहे हैं, सोशल मीडिया वो तो नहीं आए लेकिन आप उनसे ज़्यादा छा गए, ऐसा है कि नहीं? हाँ। अच्छा ये बताएं कि आप भाभी से मोहब्बत करते हैं, ठीक है, इनकी के लिए कोई जो है ना वो जरा गीत गा रहे हो? चिन्ना कुकड़ बने रहते खट्टे नी दुपट्टे वाली मुंडा शकिते रहते मज बज गई है किले नाल तेनु असी माही सद्या गल रह गई है तेरे बलो बागे बिचू खू मेरा घड़ा मेरा नहीं डुबदा गोचे खांदा रू मेरा। अच्छा चलो ये दसो कि हुन हनीमून मनाने वास्ते कित्थे जाना तुसी? अल्लाह ही रखे नहीं, कहीं इनको घूमने के लिए लेके नहीं जाएंगे? ले जाएंगे, दाता साहब जाएंगे, सलाम करेंगे उनको, दरिया दरिया देंगे। आपकी क्या ख्वाहिश है कि आप उमरा करना चाहते हैं? उमरा की भी है, अल्लाह कोई करा देगा तो कोई अल्लाह का बंदा बस। हमारे साथ भाभी भी होंगी, उनसे भी गुफ्तगू का आगाज करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हां जी की हाल है? मुबारक है आपको, इस एज के अंदर आपने शादी कर ली, खैर मुबारक। नहीं आप भी इनसे इतनी मोहब्बत करते हैं जितना ये करते हैं? नहीं तो से नहीं करते? यही बात है, नहीं तुसी करते नहीं? वावा कीता, नहीं वावा मोहब्बत कीता। अच्छा तो आप 50 साल पहले कहाँ पे मिले थे आप? आहो किथे मिले से किथे? जुजू जुजू। तो आपको ये अच्छे लग गए थे? ये जो आने का ये कौन डाली हुई आपने? ये अपने खुश नाल। अच्छा तो आपके जो औलाद है वो भी आपको छोड़ के जा चुकी है? वो नहीं मेरा औलाद है ना, वो नहीं वो ना कि उतर मेरे प्यो मर गए, उतर तो मर गई, मैंने नहीं लौटी दे दी ना, मैंने लौटी दे ना, मैंने खर्चा दे दिया, मैंने नहीं जो मेरे बिलवाने वो नसब मेरे को किला ही है, मैंने जमीन है मेरे को नसब पह के गोंटा पै गोंटा ला ली। अच्छा नाटका लड़म ले ली उन्हें। अच्छा जब आपकी पहली शादी हो गई थी उसके बाद आप भी रबते में रही थी? आहो
एहतजाजी नहीं सी? नहीं। क्यों? बाबत जी जी नाजीन, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी है और इनका ये कहना है कि हमारी जो मोहब्बत है वो 50 साल जिंदा रही और आज इनकी जो मोहब्बत है वो जीत गई और जो हमारा ज़माना है वो हार गया। उसी के साथ नाजीन, अगर मैं करूँ तो इनके जो औलाद है वो इनको छोड़ के जा चुकी है, इनका सहारा नहीं बनी हुई है, इनकी जो जायदाद थी उसको फरोख्त कर दिया है। इस वक्त इनके पास रहने के लिए घर नहीं है, छत नहीं है। अगर आप में से कोई इनकी हेल्प करना चाहता है तो इनका जो नंबर है वो स्क्रीन पर चल रहा है, इनसे रابطہ कर सकते हैं, इनकी हेल्प कर सकते हैं ताकि इनका जो घर का सिलसिला है वो बेहतर तरीके से चल सके। तो नाज़रीन देखते रहें नया पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज़।